श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट इन द सेंस अपन यहाँ पर जो है इनफाइनाइट सीरीज को अलग अलग टेस्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पर अपन 5 या 6 जो टेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उन टेस्ट की हेल्प से हैं अपन यहाँ पे कोई भी जो सीरीज है उसके इनफाइनाइट सीरीज होने का, उसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है वो होने के बारे में अपन यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो पहले अपन कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए जो फर्स्ट टेस्ट अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। हिंदी में इसको बोला जाता है तुलना परीक्षण। तो तुलना परीक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि तुलना परीक्षण को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए अपने को यहाँ पे सीक्वेंस को किस हिसाब से लेना पड़ता है। यहाँ पर कुछ 2-3 सीक्वेंस है उसके अपन फॉर्मेशन को भी यहाँ पर डिफाइन करेंगे और उनकी हेल्प से ही अपन जो है वो यहाँ पर जो कंपैरिजन टेस्ट को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तुलना परीक्षण का जो स्टेटमेंट रहता है वो क्या रहता है, उसके अंदर अपन जो है वो किस तरह से अपन किसी भी सीरीज का जो टेस्ट है वो कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो तुलना परीक्षण, तुलना परीक्षण की जब भी बात होगी अपने पास यहाँ पे दो सीरीज बनेगी। ठीक है, दो सीरीज बनेगी या मैं ये कह सकती हूँ दो सीक्वेंस बनेगी। एन पदों का योगफल, यहाँ पे दो अपने सीक्वेंस बनेगी यू एन और वी एन। ठीक है, वो दो जो सीक्वेंस बनेगी उन दो की हेल्प से क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे तुलना परीक्षण को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो सीरीज जो सीरीज होगी उसको अपन यहाँ पे मान लेते हैं, माना समेशन UN तथा समेशन VN दो श्रेणियां, दो श्रेणियां हैं। ठीक है, तो इनका जो तुलना परीक्षण होगा तब इसके अंदर जो तुलना परीक्षण है उसके अंदर किस तरह से टेस्ट होगा उसके लिए अपना रहेगा यदि तब। फर्स्ट कंडीशन है समेशन ऑफ वी एन क्या है, अभिसारी है, मतलब वी एन क्या है, अभिसारी है तथा तथा जो यू एन है वो लेस देन इक्वल है के वी एन। ठीक है, UN जो है मतलब जो अपना UN सीरीज है उसका जो एलिमेंट है वो के VN से मल्टीप्लाई होने से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब समेशन ऑफ UN भी क्या होगी, अभिसारी होगी। या इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि यदि VN अभिसारी है तो UN भी क्या होगी, अभिसारी होगी, और VN अगर अपसारी है तो UN भी क्या होगी, अपसारी होगी। सेकंड, समेशन ऑफ VN अपसारी है तथा UN है वो ग्रेटर देन इक्वल है के VN से। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन होता है, इसमें लेस देन होता है, तब समेशन ऑफ UN अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए दोनों के लिए कंडीशन बता दी गई है। ये अपना कौन सा टेस्ट होता है, कंपैरिजन टेस्ट होता है। कंपैरिजन टेस्ट में अपना क्या रहता है कि अगर यहाँ पर अपने को दो सीरीज जो है वो लेके चलनी होती है, उन दोनों सीरीज को अगर VN जो है वो अभिसारी है और UN लेस देन इक्वल के VN है तब जो UN है वो अभिसारी होगा, और अगर VN अपसारी है और UN ग्रेटर देन इक्वल के VN है तब UN कैसा होगा, अपसारी होगा। ये अपना फर्स्ट टेस्ट जिसे अपन कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं उसका यहाँ पे स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, सेकेंड अपन इसके अंदर देखेंगे कि
इसका जो दूसरा है व्यावहारिक तुलना परीक्षण। व्यावहारिक तुलना परीक्षण क्या रहता है, मतलब जो अपन इस तुलना परीक्षण का या दूसरा एक फॉर्मेशन है उसको जो अपन यहाँ पे यूज में लेते हैं उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। ये इसका स्टेटमेंट रहता है और व्यवहार के अंदर इसको कैसे ला सकते हैं, प्रैक्टिकल कंपेरिजन टेस्ट जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड इसका रहेगा व्यावहारिक तुलना परीक्षण यानी प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड व्यावहारिक तुलना परीक्षण, इसके अंदर भी सेम अपने पास दो सीक्वेंस ही रहती है, यूएन वीएन जो है उनकी हेल्प से जो है वो अपन किस तरह से हैं यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर है इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या रहता है कि यदि समेशन यूएन तथा समेशन वीएन दो श्रेणियाँ हैं तब अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है यू एन बटे वी एन, ठीक है, दोनों सीरीज का क्या करना है आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करने पर अपने क्या लिमिट लगाने पर वैल्यू क्या आ जाए, l, यानी कोई नॉन जीरो वैल्यू आ जाए। ठीक है, कोई फाइनाइट और नॉन जीरो शून्य तथा परिमित, नॉन जीरो और फाइनाइट, अगर मान अपने को प्राप्त होता है तब जो है वो un और vn जो है या तो अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी, तब दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अब ये अभिसारी कब होगी और अपसारी कब होगी उसके लिए यहाँ पर अपन कुछ इम्पोर्टेंट जो सीक्वेंसेज होती है सीरीज होती है उनको यहाँ पर अपने देख, जैसे गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, उसको देखेंगे यहाँ पे, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है उसको यहाँ पर देखेंगे, वो कब कब अभिसारी होती है और अपसारी होती है उनकी कंडीशन को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे और उसके बाद में हाइपरमोनिक सीरीज, जो हाइपर हार्मोनिक सीरीज होती है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। ये दो ही सीक्वेंसेस है जो इसके अंदर बार बार रिपीट होती रहती है और इन दोनों की हेल्प से ही अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ अपन इसका बेसिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो तुलना परीक्षण है वो किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है और वो सीक्वेंसेज जो है सीरीज जो है वो कैसे कब अपनी कन्वर्जेंट होगी कब डाइवर्जेंट होगी उसको अपन देखने वाले हैं। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स है वो अपन कल के वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी की बात करने वाले हैं कि गुणोत्तर श्रेणी जो है वो कब अभिसारी होगी कब अपसारी होगी। गुणोत्तर श्रेणी फर्स्ट जो है यहाँ पे सीक्वेंस की बात करेंगे वो होगी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी किस तरह से डिफाइन होती है उसके लिए आप देखिए आपको un जो है वो इस तरह से दिया होगा 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टेंस टू इस तरह से। ठीक है, अगर ये आपको इस तरह से गिवन है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पर जो है वो जो पद है वो आपस में क्या है गुणा में है, तो इसकी जो कन्वर्जेंट की कंडीशन है इसकी जो पहली कंडीशन है अभिसारी होगी कन्वर्जेंट होगी यदि मॉड ऑफ एक्स वो क्या हो ग्रेटर देन वन हो।
ठीक है, जब इसका मॉड्यूल सॉरी लेस देन वन हो, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, जब इसकी एक्स का क्या लिया जाए, मॉड्यूलस लिया जाए, तो वो क्या आए मेरा, वन से लेस देन आए, तब ये क्या होगी, अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी। सेकंड इसके अंदर रहेगा अपसारी होगी यदि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल वन की कंडीशन में यहाँ पर क्या डिफाइन होगा अपना, एक्स जो है वो क्या हो जाएगी, ये जो गुणोत्तर श्रेणी होगी ये क्या हो जाएगी मेरी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये दो ही कंडीशन होती है दोलनी के लिए, यानी ऑसिलेटरी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, अगर प्लस की वन है तब वो फाइनाइटली ऑसिलेटर होगी, और अगर माइनस वन है तो इनफाइनाइटली ऑसिलेटर होती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन किसी भी गुणोत्तर श्रेणी जो होती है उससे एक्स की वैल्यू से अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो अभिसारी होगी या अपसारी होगी, ठीक है। सेकंड जो अपनी यहाँ पे सीक्वेंस रहती है वो रहती है हाइपर हार्मोनिक सीरीज। अब ये कैसे डिफाइन होती है, इसको पहले अपन देखेंगे कि ये डिफाइन कैसे होती है। दूसरी जो है यहाँ पे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी किस तरह से डिफाइन होती है उसको अपन देखने वाले हैं। तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज के अंदर जो है वो अपना यू एन जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, समेशन ऑफ वन बाई एन की पावर पी, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो है वो यहाँ पर डिफाइन होती है। यानी अगर मैं इसको सरल करके लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा, वन की पावर पी वन बाई टू की पावर पी वन बाई सी की पावर पी, इस तरह से ये जो आगे से आगे डिफाइन होती जाती है, ठीक है। ये अपनी हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो है वो इस तरह से डिफाइन होती है, इसका जो एनवा पद है वो इस तरह से डिफाइन होता है। तो ये कन्वर्जेंट कब होती है और डाइवर्जेंट कब होती है, ये जो डिपेंड करता है ये इस पी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी जो कन्वर्जेंस और जो डाइवर्जेंस है वो इस पी पर डिपेंड करती है। तो इसके अंदर अपनी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या रहती है, ये जो सीरीज है वो अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी यदि यदि p ग्रेटर देन वन हो। अगर p की वैल्यू क्या हो जाए, वन से ग्रेटर देन हो जाए, तब ये क्या होगी मेरी, अभिसारी होगी। और सेकंड डाइवर्जेंट होगी यानी अपसारी होगी, अपसारी होगी यदि p जो है वो लेस देन इक्वल क्या हो जाए, वन हो जाए। अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल वन जो हो जाए तब ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, और p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी मेरी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इस तरह से अपनी जो सीरीज है उनको यहाँ पर अपन डिफाइन कर सकते हैं और उनकी कन्वर्जेंस को यहाँ पर अपने देख सकते हैं। हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो है वो किस तरह से डिफाइन होती है उसको अपन ने देखा। तो ये था अपना कंपेरिजन टेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन ने देखा कि कंपेरिजन टेस्ट के लिए अपना स्टेटमेंट क्या रहता है। दूसरा अपन ने इसका जो प्रैक्टिकल कंपेरिजन टेस्ट है उसको भी देखा यूएन और वीएन की फॉर्म में। और तीसरा जो है वो अपन ने यहाँ पे सीरीज के बारे में देखा कि गुणोत्तर जो श्रेणी है वो किस तरह से डिफाइन होती है, वो कन्वर्जेंट कब होती है, डाइवर्जेंट कब होती है, और उसके अलावा जो दूसरी अपन ने यहाँ पे हाइपर हार्मोनिक सीरीज है उसको देखा कि ये कब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होती है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने ये सब डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।